की वीडियो में मैं इतने ढेर सारे आरसी एनिमल्स और आरसी इंसेक्ट्स के बीच में कराऊंगा फाइट। देखते हैं गाइस इन सब में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। ये चीज एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्पेशल है यार, इसको मैंने कल ही खरीदा है। ये है एक रियल जैसा दिखने वाला कैटरपिलर। दूसरी चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये है एक रिमोट कंट्रोल से चलने वाला स्कॉर्पियन। ये है एक लेडी बग यानी कि गुबरेला। ये है एक रिमोट कंट्रोल से चलने वाली छिपकली। ये है मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट चीज, ये है एक रैटल स्नेक। फाइनली गाइस ये एक बहुत ही बड़े साइज का रोबो कैटरपिलर है। चलो गाइस इन सब के बीच में कराते हैं फाइट, देखते हैं इन सब में से आज कौन जीतता है, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस आज की वीडियो में सबसे पहले मैं ये मैजिक बग कैटरपिलर को अनबॉक्स करने वाला हूँ। इतनी छोटी सी चीज जो है हम लोग रिमोट से भी चला सकते हैं, आज की वीडियो में मजा आने वाला है। चलो बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से ये बॉक्स को मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ। यार दिखने में बहुत ज्यादा डेलिकेट सी चीज लग रही है, पर यह बहुत ज्यादा टफ मटेरियल की बनाई गई है और इसकी ये जो बॉडी है थोड़ी सी फ्लेक्सिबल भी मेरे को लग रही है। जब ये मूव करता है तो यार बिल्कुल एक रियल इंसेक्ट जैसा ही दिखाई देता है। अगर आप इसको सामने से देखोगे ना गाइस बिल्कुल ये एक शीप जैसा ही दिखाई देता है। इसका हेड वैसे ही बनाया गया है, बाकी कलर वगैरह काफी ज्यादा अलग मेरे को इसका लग रहा है। नीचे की तरफ यहाँ पर इसके दो व्हील्स हैं। व्हील्स ये पूरी तरीके से राउंड शेप के नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा इनको कट किया गया है ताकि ये थोड़ा सा जिगजैग मोशन में चल सके। यहाँ पर पता नहीं एक अलग तरीके का मैकेनिज्म दिया गया है, यहाँ पे बहुत सारे स्क्रूज वगैरह भी लगाए गए। यहाँ पे इसका बैटरी कंपार्टमेंट है, इसके साथ कोई भी रिचार्जेबल बैटरी नहीं मिलती है। यहाँ पर इसकी बैटरीज और इसका रिमोट वगैरह दिया गया। ये रहा इसका रिमोट कंट्रोलर, इसी तरह का रिमोट मेरे को कॉकरोच के साथ भी मिला था, जस्ट यहाँ पर इसका कलर चेंज कर रखा है। मैजिक बग बोल के यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे दो बटन से पे हम लोगों को LR44 बैटरीज डालनी पड़ती है। ये है इसके बैटरी, ये तीन बैटरीज हम डालेंगे कैटरपिलर के अंदर और ये तीन बैटरीज डालेंगे रिमोट कंट्रोलर के अंदर। ये मेरे पास एक और कैटरपिलर है, पर ये हमारा जो नया वाला कैटरपिलर है उसके जैसा नहीं दिखाई देता, ये थोड़ा सा रोबोटिक टाइप दिखाई देता है। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो फिलहाल ये वाला कैटरपिलर जो है मैं आपको निकाल के बता देता हूं, और ये कैटरपिलर का साइज भी आप देख सकते हो, भाई साहब स्नेक से भी ज्यादा बड़ा है साइज का है ये वाला कैटरपिलर। फिंगरप्रिंट भी इसके अंदर दिया गया, जैसे हम इसको फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो ये दौड़ने लगता है। इसकी जो लेंथ है हम लोग और भी ज्यादा बड़ी कर सकते हैं, इसको अटैच करेंगे तो ये और भी ज्यादा बड़ा बन जाएगा। यहाँ पे इसका एक और अटैचमेंट भी दिया गया है। इसकी सबसे खास चीज मेरे को लगती है इसका रिमोट कंट्रोलर। जैसे कि ये कैटरपिलर को हम लोगों को जिगजैग मोड में चलाना है तो ये बटन दबाएंगे या फिर ये बटन दबाएंगे। ये रिमोट भी IR सेंसर का ही दिया गया है। ये कैटरपिलर के अंदर इस तरह की बैटरी डालनी पड़ती है। मेरे पास कुछ और चीजें हैं, जैसे कि ये एक रियल स्कॉर्पियन है। इसका साइज और इसका लुक देखो बिल्कुल एक रियल स्कॉर्पियन जैसा ये दिखाई देता है। ये है रेड कलर का बिच्छू। इसके जो पिंसर्स है काफी ज्यादा रियल स्कॉर्पियन जैसे ही दिखाई देते हैं। इसके अंदर भी ऐसे लेग्स देखने को मिल जाते हैं और ये लेग्स पूरी तरीके से मूवेबल है। और ये पूरा का पूरा जो है ना गाइस ट्रांसपेरेंट बनाया गया है, इसके अंदर का हर एक पार्ट आप देख सकते हो। यहाँ पे इसकी मोटर वगैरह दी गई है, पीछे सपोर्टिंग व्हील्स है, यहाँ से हम लोग इसको डायरेक्ट चार्ज भी कर सकते हैं। इसके अंदर रिचार्जेबल बैटरी दी गई है। तो इसका रिमोट भी दिखा देता हूँ, ये रहा इसका रिमोट कंट्रोलर। यहाँ पे दो बटन, यहाँ पे दो बटन मिल जाते हैं इसको चलाने के लिए। ऊपर की तरफ दो लाइट्स है, यहाँ पे तीन चैनल्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। पीछे की तरफ चार डबल बैटरीज डालनी पड़ती है इसको ऑन करने के लिए। चार्जर यहाँ पे हिडन दिया गया, इसी के अंदर से ही हम लोगों को ये वायर निकल के आ जाता है, यहीं से ही हम लोग इसको चार्ज कर सकते हैं। अनबॉक्स करते हैं ये लेडी बग को। ये लेडी बग बहुत ज्यादा स्पीड से चल सकता है और इसको चलाना बहुत ज्यादा इजी भी है। ये हमारा लेडी बग, इसके जो पर है इस तरह से ओपन भी हो जाते हैं। इसको ओपन करने के बाद इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। यहाँ पे इसके आईज वगैरह दिए गए, यहाँ पे इसके बहुत सारे सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा टफ है। यहाँ पे इसकी मोटर है पीछे की तरफ, इसके अंदर भी हम लोग को LR44 की बैटरीज डालनी पड़ती है। यहाँ पर इसकी ढेर सारी LR44 बैटरीज दी गई है। इसके अंदर देखो बिल्कुल हमारे कैटरपिलर जैसा ही रिमोट दिया गया है। कलर चेंज यहाँ पे मेरे को लग रहा है, इसके अंदर बिल्कुल उतने ही बटन देखने को मिल जाते हैं। अनबॉक्स करते हैं ये वाली जंगल लिजर्ड को। ये एक नॉर्मल लिजर्ड नहीं है गाइस जो कि हमारे घरों में होती है, ये है एक जंगल वाली लिजर्ड, क्योंकि इसका साइज देखो यार कितना ज्यादा बड़ा दिया गया है। इसके अंदर इस तरह का रिमोट मिल जाता है। ये पूरी की पूरी रबर की बनी हुई है। ये इसके लेग्स है, इसके आईज देखो यार कितने ज्यादा रियलिस्टिक दिखाई दे रहे हैं। सामने के लेग्स भी पूरे के पूरे रबर के हैं। यहाँ पे इसका ऑन ऑफ स्विच है। इसके अंदर हम लोगों को रिचार्जेबल बैटरी नहीं मिलती है, इसको ओपन करके हम लोगों को सेल्स डालने पड़ते हैं। इसके अंदर भी देखो LR44 बैटरीज मिलती है रिमोट के अंदर डालने के लिए। पे तीन बटन देखने को मिल जाते हैं। ये थोड़ा बहुत चूहे जैसा इसका डिजाइन दिया गया। यहाँ पे IR सेंसर इसके अंदर भी देखने को मिलता है। सभी आरसी एनिमल्स और सभी आरसी इंसेक्ट्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है। ये दोनों इन सब के मुकाबले में काफी ज्यादा छोटे साइज के लग रहे होंगे आपको, पर ये बहुत ज्यादा पावरफुल भी। आज देखते हैं गाइस ये जो इंसेक्ट्स है इन सभी के सामने टिक पाएंगे या फिर नहीं। लेट्स गो एंड फाइट।
सभी आरसी एनिमल्स और सभी आरसी इंसेक्ट्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब एक एक करके सबको टेस्ट करेंगे, देखेंगे इस किस में कितना है। हम सबसे पहले कैटरपिलर को चला के देखते हैं। वाह यार, ये कैटरपिलर इतनी अच्छी तरीके से चलेगा, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था यार। बिल्कुल एक जो रियल कैटरपिलर चलता है वेव बनाते हुए, ये भी उसी तरह से चलने लग रहा है यार। मजा आ गया इसको चला के। मैंने इसको थोड़ा सा स्मूथ सर्फेस पर और हार्ड सर्फेस पे भी चला के देखा है, दोनों ही जगह बहुत परफेक्ट तरीके से ये चल रहा था। अब चलाते हैं ये लेडी बग को। ये गुबरेला की सबसे खास चीज मेरे को लगती है इसकी सुपर रेस्पॉन्सिवनेस। इसका रिमोट काफी बेटर होने के कारण ये बहुत फटाफट तरीके से कोई भी डायरेक्शन में टर्न हो जाता है। ये भी हार्ड सरफेस और स्मूथ सरफेस पर काफी बढ़िया तरीके से चल जाता है। अब टेस्ट करते हैं आरसी स्कॉर्पियन को। जब ये चलता है तो इसके लेग्स इस तरह से मूव करने लगते हैं। अगर कोई बंदा दूर से देख लेगा तो उसको लगेगा कि ये कोई रियल स्कॉर्पियन, ये बहुत ज्यादा यूनिक भी है, दिखाई देता है। अब टेस्ट करते हैं रैटल स्नेक को। जब ये स्नेक चलता है तो बिल्कुल एक रैटल जैसी आवाज करने लगता है। ऐसी आवाज रियल स्नेक में भी आती है और ये जिगजैग मोड में चलता है, इस वजह से ये बहुत रियल स्नेक जैसा ही दिखाई देता। अब टेस्ट करते हैं सेंटीपीड को। ये कोई नॉर्मल कन खजूरा नहीं है गाइस, ये एक टाइगर सेंटीपीड है, इस वजह से इसका कलर जो है थोड़ा सा टाइगर से मैचिंग लगता है। जब ये चलता है तो ये भी बिल्कुल एक स्नेक जैसा ही जिगजैग मोड में चलता है, पर इसके जो लेग्स है मोटर से कनेक्टेड नहीं है, इस वजह से इसके लेग जो है ज्यादा मूव नहीं करते हैं, सिर्फ इसकी बॉडी जो है लेफ्ट राइट मूव करने लगती है। अब चलाते हैं जंगल लिजर्ड को। ये लिजर्ड जब चलती है तो बहुत ज्यादा फनी और बहुत ज्यादा यूनिक नजर आती है, क्योंकि इसके जो पीछे के पैर है इसके अंदर मोटर दी गई है, ऐसा लगता है कि इसके अंदर सही से कैलिब्रेशन नहीं की गई है, इस वजह से चलते वक्त ऐसा लगता है कि इसके पीछे के पैर टूट चुके हैं। अब चलाते हैं रोबोटिक कैटरपिलर को। यहाँ पे इसका टच सेंसिटिव बटन है, जैसे ही मैंने इसके ऊपर टैप किया है ये अपने आप ही चलने लगता है। इसको हम वैसे भी चला सकते हैं और रिमोट के अंदर बटन प्रेस करके भी चला सकते हैं। इसको आप कोई भी डायरेक्शन में चला लो, हर एक डायरेक्शन में ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से चलने लगती है। अब मैं रेस कराने वाला हूँ स्कॉर्पियन वर्सेस कैटरपिलर के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीता है। कैटरपिलर सच में यार इतनी तेजी से चलेगा, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखो यहाँ तक ये पहुंच भी चुका है और टर्न भी ले चुका है, स्कॉर्पियन बहुत ज्यादा पीछे छूट गया। क्लियरली यहाँ पर कैटरपिलर ने बाजी मार ली है रेस में। अब रेस कराते हैं इन दोनों के बीच में, देखते हैं क्या ये कैटरपिलर लेडीबग को भी रेस में हरा पाएगा या फिर नहीं। अभी तक तो दोनों बिल्कुल साइड बाय साइड चल रहे थे, पर अचानक से लेडीबग की स्पीड बढ़ चुकी है, ये एक चक्कर लगा के वापस भी आ चुका है। क्लियरली यहाँ पर लेडीबग ने हरा के रख दिया। अब रेस कराते हैं टाइगर सेंटीपीड वर्सेस लेडीबग के बीच में, देखते हैं क्या ये लेडीबग सेंटीपीड को भी हरा पाएगा या फिर नहीं। देखो बहुत ज्यादा आगे निकल गई है और लेडीबग भी कुछ कम है नहीं, बिल्कुल इसके आजू बाजू में ही चल रहा है, पर सेंटीपीड ने यहाँ पे बाजी मार ली है और रेस को जीत गई है ये। अब रेस कराते हैं टाइगर सेंटीपीड की टक्कर वाली चीज के साथ, ये है रैटल स्नेक। दोनों बिल्कुल आजू बाजू में ही चल रहे थे, पर रैटल स्नेक थोड़ा सा आगे निकल गया यार। रैटल स्नेक बहुत स्मूथली यहाँ पर चल रहा है, सेंटीपीड को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। क्लियरली यहाँ रेस में जीत चुका है रैटल स्नेक। अब रेस कराते हैं रोबो कैटरपिलर वर्सेस रैटल स्नेक के बीच में, देखते हैं क्या रैटल स्नेक इतने बड़े रोबो कैटरपिलर को हरा पाएगा या फिर नहीं। रैटल स्नेक तो बहुत ज्यादा आगे निकल गया है, इन सब में सबसे ज्यादा स्पीड रैटल स्नेक की चल रहा है। अब रेस कराते हैं जंगल लिजर्ड वर्सेस रैटल स्नेक के बीच में। पहले तो ये जंगल लिजर्ड बहुत स्पीड से चल रही थी, इसने अपनी स्पीड अचानक से कम कर ली है और ये दूसरे रास्ते की तरफ जाने लगी है। अब मेरे को समझ में आया, ये लिजर्ड पहुंच चुकी है रैटल स्नेक के अंडे के पास। ओह माय गॉड, ये तो इसको लपक के खा गई यार। यहाँ से रैटल स्नेक ये सारी चीजें देख रहा है और इसने टर्न ले लिया है। अब भाई मेरे को लग रहा है कि ये इसके ऊपर अटैक करके ही मानेगा, देखने का जिन दोनों में से कौन जीता। रैटल स्नेक ने बहुत जोर से डस लिया है लिजर्ड और इसको पलट के रख दिया। इसको यार दो तीन बार इसने डस लिया है जोर से, मेरे को नहीं लगता गाइस अब ये लिजर्ड बच पाएगी। देखो यहाँ पे इसका काम हो चुका है फिनिश और ये हो चुकी है भगवान को प्यारी। अब ये रैटल स्नेक और भी ज्यादा गुस्से में लग रहा है, इसके सामने आ चुका था सेंटीपीड, इसने भाई सेंटीपीड के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की थी, पर सेंटीपीड इससे भी ज्यादा जहरीला और इससे भी ज्यादा खतरनाक, सेंटीपीड ने इसको 2 सेकंड में ही हरा के रख दिया। इसके सामने आ चुका है अभी कैटरपिलर, देखते हैं गाइस कैटरपिलर इसके सामने टिक पाएगा या फिर नहीं। कैटरपिलर ने पहले अटैक करने की कोशिश की थी सेंटीपीड के ऊपर, सेंटीपीड धीरे धीरे करके कैटरपिलर को पीछे ढकेल रहा है और सेंटीपीड ने वापस से अपना जहर इंजेक्ट कर दिया है कैटरपिलर के ऊपर और कैटरपिलर का काम यहाँ पर तमाम हो चुका है पूरी तरीके से। अब आमने सामने वाली फाइट होगी स्कॉर्पियन वर्सेस सेंटीपीड के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा ताकतवर। यहाँ पर सेंटीपीड पूरी तरीके से डसने की कोशिश कर रहा था और स्कॉर्पियन अपना डंक लेकर पहुंच चुका है और इसने डस लिया यार सेंटीपीड को पूरी तरीके से, और मेरे को अब नहीं लगता गाइस सेंटीपीड अब ये खड़ा हो पाएगा। क्लियरली यहाँ पर सेंटीपीड हार चुका है। अब यहाँ पर फाइनल फाइट होगी स्कॉर्पियन वर्सेस लेडीबग के बीच में। लेडीबग बहुत ज्यादा एग्रेसिव तरीके से स्कॉर्पियन को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा है और इसने इसके पिंचर्स भी पकड़ रखे हैं, देखते हैं स्कॉर्पियन क्या करता है। धीरे धीरे करके लेडीबग को पीछे ढकेलना चालू कर दिया और स्कॉर्पियन ने लेडीबग को दीवार पर पटक के रख दिया, इस वजह से लेडीबग के दोनों ही पर टूट चुके हैं पूरी तरीके से और लेडीबग का भी काम यहाँ पर फिनिश हो चुका है। क्लियरली यहाँ पर स्कॉर्पियन है सबसे ज्यादा पावरफुल यार, इसका एक पिंचर भी टूट चुका है। तो
तो माय डियर फ्रेंड्स, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये सभी आरसी एनिमल्स और सभी आरसी इंसेक्ट्स में से कौन सी चीज पसंद आई। चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है राहुल, समीर, जुनेद, विनायक, मुस्तकीम, करण ज्योत, ऋतुराज, अक्षत, रौनित सिंह, रतन। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।